आज की यह शाम एक ऐतिहासिक शाम है, इसलिए नहीं क्योंकि एक ठंड का माहौल है, लेकिन भारत की आत्मा सदैव बुलंद थी, आज भी बुलंद है, और जब तक ये समय और दुनिया रहेगी भारत की आत्मा बुलंद रहेगी। महात्मा गांधी के समाधि के स्थान पर जो आज एक सीख हम यहां से लेके जाते हैं कि शांति के प्रतीक, अहिंसा के प्रतीक, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की क्षमता केवल नहीं, लेकिन भारी से भारी शक्ति को झुकाने की क्षमता उस महात्मा के हाथ में है, जिस महात्मा के से हम सब एक एक भारतवासी आज भी स्वतः ही ऊर्जा लेकर इस देश को आगे बढ़ाने की एक सौगंध खाते हैं। और जो शक्तियां इस देश की एकता और अखंडता, इस देश की धर्मनिरपेक्षता और विचारधारा, उदार विचारधारा को खंडित करने की कोशिश करेंगी, उन्हें समाधि से ही जवाब मिलेगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। भारत के संविधान की उद्देशिका कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रवाद गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल समति संवत 2006 विक्रमी को इद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद। थैंक यू सर।